महिलाओं के लिए एक सीनियर डॉक्टर की बहुत अच्छी सलाह। एक सलाह बहुत साधारण है परंतु जीवन में बहुत उपयोगी है, इसलिए यह सलाह अधिक ऐसे ही अधिक महिलाओं तक पहुंचनी चाहिए ताकि महिलाएं स्वस्थ जीवन जी सके। तो आप घर के सारे काम कभी भी एक बार में खत्म नहीं कर सकती क्योंकि यह अंतहीन है। जिन महिलाओं ने ऐसा करने की कोशिश की वे बीमार हो गईं या जल्दी ही भगवान को प्यारी हो गईं। काम के बीच में अपने आराम का भी समय निकालिए, यह कोई पाप नहीं है। थोड़ी देर पैर फैलाकर सोफे बिस्तर या फर्श पर बैठिए, थोड़ी देर कुछ मूंगफली फूले हुए मक्का या भुने हुए चने के दाने खाइए, कोई मनपसंद गीत गुनगुनाए या सुने अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़िए, आप जल्दी ही आराम महसूस करेंगे। 4. घर के काम करते हुए यदि सिर में दर्द हो गया हो, बहुत थकान हो रही हो तो थोड़ी देर के लिए एक झपकी ले लीजिए, यकीन मानिए आपका सिर दर्द थकान छूमंतर हो जाएगी। जिन्होंने आराम को हराम समझा वह अपने परिवार ऐसे ही जल्द ही विदा हो गई। 5. सोने के लिए कभी भी नींद या नशे की गोलियों का सहारा मत लीजिए, इनके बुरे प्रभाव ऐसे ही दिमाग और शरीर के अनेक अंग खराब हो जाते हैं, भूलने की समस्या पैदा हो जाती है। सोने के लिए अपने दिमाग को शांत कीजिए, सोचिए मत, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सब कुछ अपने समय पर ही सही हो जाता है। चिंता करने ऐसे ही डायबिटीज, डिप्रेशन, बीपी, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी और लीवर की बीमारियां आदि की शिकार हो सकती है। 6. कुछ समय प्रकृति के सान्निध्य में भी गुजारिए, किसी पार्क या उपवन में आराम ऐसे ही बैठिए, कुछ सोचिए मत, लंबी सांस लीजिए और बस फूलों, पौधों तथा तितलियों जैसे छोटे छोटे जीव जंतुओं को ध्यान ऐसे ही देखकर ईश्वर की कारीगरी की तारीफ कीजिए। उठकर वापस चलने की जल्दी बिल्कुल मत कीजिए, आपका सारा तनाव छूमंतर हो जाएगा। 7. कभी कभी अपने बेडरूम या बाथरूम में लगे दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारिए, सवारिए, इसलिए नहीं कि आपको कहीं जाना है या किसी को दिखाना है, बस अपने लिए, अपने खुद के लिए समय पर ध्यान दीजिए। मन करे तो अपने शीशे के सामने थोड़ा मुस्कुराइए, हंसिए या फिर कुछ गुनगुना कर डांस कीजिए, उन पलों को याद कीजिए जब आपके पतिदेव आपकी सुंदरता को खुलकर तारीफ किया करते। यदि आपको अपनी आंखों के नीचे काले घेरे या त्वचा पर झुर्रियां नजर आए तो अपने आप पर तरस मत खाइए, बस थोड़ी सी मलाई अपनी त्वचा पर मले और धीरे धीरे मालिश कर ले, बाद में किसी हल्के फेस वॉश ऐसे ही धो ले, यकीन मानिए आप स्वयं को सुंदर और तरोताजा महसूस करेंगे। 8. किसी दिन जरा सा समय मिले तो अपनी यादों का पिटारा अपनी शादी की एल्बम को लीजिए, उन पलों को और उनसे जुड़ी हंसी खिठोली को याद कीजिए, निश्चित ही आपके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान आ जाएगी। बुरी यादों को मकड़ी के गंदे जालों की तरह झाड़ कर बाहर फेंक दीजिए। यदि मन करे तो अपने लिए भी बाहर ऐसे ही कोई सनाइकस, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस आदि लेकर उसका आनंद लीजिए। आप हमेशा ही अपने परिवार, बच्चों, पोत्रों आदि के बारे में सोचती रही है, कभी कभी अपने लिए भी कुछ कर लीजिए। 9. घर में काम ज्यादा हो तो घर में ऐसी मशीनें लाइए, दिन ऐसे ही कुछ काम आसान हो जाए, जरूरत हो तो किसी काम वाली बाई की मदद भी ले लीजिए, मगर रसोई में खाना बनाना और परोसना अपने हाथ में ही रखिए, क्योंकि बच्चों और आपके पतिदेव को इतने प्यार ऐसे ही दूसरा कोई भोजन नहीं करा सकता जितना कि आप। सभी अधिक काम ऐसे ही अधिक तनाव होता है और यह अनजाने में है लाखों लोगों की जान ले लेता है। 10. यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप बीमार है तो यह छुपाइए मत, इसके लिए सही डॉक्टर, हॉस्पिटल आदि ऐसे ही इलाज लेकर सही उपचार कीजिए। समय ऐसे ही इलाज मिलने पर बीमारी गंभीर रूप धारण नहीं कर पाएगी, यह आपके जीवन का प्रश्न है, इसमें लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। 11. समय समय पर अपना बीपी, शुगर चेक करते रहिए, चाहे आप बीमार हो या नहीं, इससे कोई बीमारी होने ऐसे ही पहले ही पता चल जाता है और परेशानी गंभीर नहीं हो पाती। 12. यह हमेशा याद रखिए कि आप अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही कोई आपको यह जताए या ना, आपकी अनुपस्थिति में परिवार बिखर जाएगा, परेशान हो जाएगा, इसलिए अपना पूरा ध्यान रखना अभी आपकी ही जिम्मेदारी है।
आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा ऐसे ही ज्यादा महिलाओं के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।